हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। गर्मियां आ गई हैं तो चलिए बनाते हैं कड़क अदरक पुदीना लस्सी। अब लस्सी जो गर्मियों में पी जाती है ना, खास तौर से ऐसे कड़क वाली, थोड़ी पतली होती है, करारी होती है। और मैं आपको बताऊं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, गर्मियों में लोग मिर्चें खाते हैं। क्यों पता? मिर्चें खाने से पसीना आता है, कूल्स योर स्किन, वेरी एसेंशियल। ओके, तो चलिए बनाते हैं। बहुत सिंपल है ये। मैं ब्लेंडिंग के लिए एक जार ले लेता हूँ। वाह, और इसमें दही बढ़िया वाला 1.5 कप लीजिए। और डालिए पुदीना, काफ़ी सारे पुदीना के पत्ते। अब इसको गिनेंगे कैसे, ठीक है ना? तो एक पुदीना का जो बड़ा वाला बंच आता है उसमें से थोड़े पुदीना के पत्ते ले लें। थोड़े का मतलब ये हो गया, खाली मैं एक पुदीना के ये जितने पत्ते हैं एक कप में रखूं, दबा के नहीं, तो एक कप में जितने पुदीना के पत्ते आएंगे उतने लेने हैं, 1 कप भर के पुदीना के पत्ते, ठीक है? ये इसकी मात्रा हो गई। अब हरी मिर्चें 3 लीजिए, तोड़ के डाल देते हैं। अदरक ये 1/2 इंच टुकड़ा लीजिए। जीरा पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच। काला नमक ये भी 1 छोटा चम्मच। और थोड़ा सा नमक शमक डाल लेंगे, ठीक है जी? नमक बहुत जरूरी, स्वाद सेहत अनुसार करिएगा, डालते वक्त करिए ना, टणक टणक टणक। और मैं इसमें लगभग 1 कप पानी डाल लेता हूँ, मुझे बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए। और बर्फ डाल लेंगे इसमें, ढेर सारी बर्फ ये भी डाल दी हमने। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये बड़ी सिंपल है। ये लीजिए कड़क पुदीना अदरक वाली लस्सी, एकदम तैयार है। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जो सॉल्टेड लस्सी होती ना वो एकदम पतली होनी चाहिए, और लस्सी वैसे भी पतली होनी चाहिए। लस्सी प्यास बुझाती है, ठंडक पहुंचाती है ना? और ये वाली लस्सी तो बहुत ही कमाल की है। ये देखिए पूरा झाग के साथ, क्या बात है। ये थोड़ा सा जीरा पाउडर ये डाल लें, ये लीजिए, बढ़िया भाई। अदरक पुदीना वाली लस्सी एकदम कड़क तैयार है। पीजिएगा, बनाइएगा और पीजिएगा। इसमें खास चीजें क्या आपने ध्यान में रखनी है कि आप जो अदरक डाल रहे हैं बहुत ज्यादा मत डालिए, ठीक है ना? अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए थोड़ा सा कम रखिएगा भाई। मिर्च डालिएगा ताकि आप पिए तो आपको मज़ा आए, थोड़ा पसीना आए, इमीडिएटली ठंडक मिले, पुदीना से भी आपको ठंडक मिले, ठीक है? और दही लस्सी जो है छाछ, उससे ठंडक मिलेगी मिलेगी आपको। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब आयुर्वेद के हिसाब से एंटीडोट क्या होता है, देखिए ये जो सॉल्टेड लस्सी है इस पे जीरा ही डलता है, तो जीरा डालिएगा ज़रूर। ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स ये मैं आपको बताते रहता हूँ अपने हर वीडियो में। बनाइए, पीजिए और पंजाबी में कहिएगा क्या, ओए ठंड पै गई।